Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. Agli subah ek nayi shuruaat lekar aayi thi. Sameer ko samajh aa chuka tha ki pyar se wo jitna dur rahe utna hi acha tha. Isliye ek baar phir उसकी और काव्या की जोड़ी एक साथ हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काव्या के इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे, और अगर वो इस बार उसके जाल में फंसा तो शायद कभी उससे निकल नहीं पाएगा। इस वक्त समीर की काली दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर दौड़ी जा रही थी। दूर सुनसान रास्ते पर जाकर काव्या ने देखा कि एक छोटा सा ढाबा था, बल्लूदा ढाबा। काव्या ने तुरंत अपने फोन पर एड्रेस पढ़ा और कहा, समीर यही वो जगह है। समीर ने एक नज़र उस ढाबे को देखा और उसे कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी को रोकते हुए उसने पूछा, इस ढाबे पे तुझे वो सामान मिलेगा? यह सुनकर काव्या ने कहा, हाँ यार, एड्रेस तो यही है, चलकर देखते हैं वरना कुछ खा पी ही लेंगे। इस पर समीर ने हामी में सर हिलाया और कार से बाहर निकल गया। ढाबे पर पहुंचकर समीर और काव्या ने देखा कि ढाबा एकदम खाली पड़ा था, जैसे कोई भूतिया ढाबा ही हो। समीर ने काव्या की तरफ देखा, समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये जगह थी क्या। तभी अंदर से एक आवाज आई, अपने अपने फोन वो सामने टेबल पर रखो और अंदर आ जाओ। तो सुनकर समीर और काव्या ने वैसा ही किया, अपने फोन एक तरफ रखे और अंदर जा पहुंचे। ये कमरा एक अजीब सा कमरा था, आसपास आटे के भोरे पड़े थे और बस एक 100 वॉट के बल्ब की ही रोशनी थी, और उसके नीचे बैठा था एक आदमी जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। काव्या एकदम सीधी खड़ी थी, वहीं समीर के शरीर में एक अजीब सी घबराहट थी। उस आदमी ने एक गंभीर सी आवाज में कहा, पैसे लायो। यह सुनकर काव्या ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले माल। इस पर वो आदमी बुरी तरह हंसने लगा और बोला, चालाक है तू लड़की, मगर फिक्र मत कर, बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है ये वीरा। इतना बोलकर उस आदमी ने एक आटे की बोरी को उठाकर टेबल पर रखा और फिर कहा, किसी को शक ना हो इसलिए आटे के बोरे में रखा है, 7.5 किलो है पाउडर, उठा तो पाएगी ना। इतना सुनकर काव्या ने तुरंत अपना हैंडबैग उस टेबल पर रखा और उस बोरे को उठा लिया। टेबल पर रखी काव्या की हैंडबैग से उस आदमी ने एक नोट की गड्डी निकाली और उसे फेंटते हुए उस नोटों की आवाज सुनने लगा। गड्डियों को गिनने के बाद बोला, ठीक है, बस इस ढाबे का नाम भूल जाना, अगली बार कोई नई जगह मिलूंगा। यह सुनकर काव्या ने हामी में अपना सिर हिलाया और बाहर चली आई। वहीं समीर का शरीर अब भी एक झुंझलाहट से गुजर रहा था। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये क्या आदमी था यार, बिल्कुल फिल्मों जैसा। इस पर काव्या ने गंभीर सी आवाज में कहा, बात मत कर, बस जाकर कार में बैठ जा और डिक्की खोल दे। समीर ने वैसा ही किया। अब वो दोनों वहां से निकल गए थे। समीर और काव्या खामोश थे क्योंकि असली टेंशन अब शुरू हुआ था। अब इतनी बड़ी तादाद में जो ड्रग्स उनके पास था उसे घर लेकर पहुंचाना था। आधा रास्ता तय हो गया था, बस अब एक और टोल बाकी था और उसके बाद और कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। आखिर वो ढोल नाका भी पार हो गया। समीर और काव्या के चेहरे पर
राहत बस छाई ही थी तभी समीर की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसकी जान हलक में आकर अटक गई। तभी हुई आवाज में उसने कहा, काव्या पुलिस। ये सुनकर काव्या ने देखा तो पीछे एक पुलिस की कार चली आ रही थी। उसे देखकर काव्या की हालत भी खराब हो गई। उसने कहा, समीर बस गाड़ी चलाते रहे, स्पीड चेंज मत करना, बस ऐसे ही चलाते रहे। चेहरे पर से पसीना पोंछते हुए समीर ने हामी में अपना सर हिला दिया। अब पुलिस की कार करीब आती जा रही थी और समीर की धड़कन भी तेज हो गई थी। वो बस बार बार मिरर में देख रहा था, कहीं फिर से उसे जेल हुई तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। पुलिस की कार अब बस कुछ ही दूरी पर थी और तभी कार पास से होती हुई आगे निकल गई। ऐसा लगा जैसे सांस का एक गुब्बार समीर और काव्या के सीने में फंसा हुआ था जो अभी अभी बाहर निकला था। काव्या ने हंसते हुए कहा, वाह बच गए यार। वहीं समीर भी इस बेवकूफी पर हंसने लगा था। समीर ने कहा, हाँ यार चल अब पार्टी करनी है और इस बार पार्टी मेरे घर पे। इस आटे का स्वाद भी चखना चाहता हूँ मैं। करीब आधे घंटे में समीर और काव्या घर पहुंच गए थे। समीर के कमरे में खेल भी शुरू हो चुका था। जहाँ समीर एक लाइन खींच कर ही चित हो गया था, वहीं काव्या किसी भूखे शेर की तरह लिए जा रही थी। समीर ने पहली बार ड्रग्स लिए थे, उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। उसने काव्या से हंसते हुए कहा, बहुत मजा आया यार, तूने तो मतलब क्या गेम खेला उस बेवकूफ अनामिका के साथ। हाँ, ये सुनकर काव्या की हंसी निकल गई। उसने कहा, अब मेरी गलती थी क्या? उसने मेरा बॉयफ्रेंड चुराने की हिम्मत की थी तो उसे हर्जाना तो भरना ही था। ये सुनकर समीर ने भी हामी में सर हिला दिया। एक जुनून भरी आवाज में काव्या ने आगे कहा, मुझे बड़ा मजा आता है यार इन बेचारों को तकलीफ में देखकर। कमजोर लोग हैं ये सब, इनकी हमारे बीच कोई जगह नहीं है। और मुझे पता था कि वो स्कूल का ड्रग्स वाला केस मुझ पर आ ही जाता, इसलिए अनामिका के घर में थोड़ा सा कोकेन रख कर मैंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही दिया। समीर ने इस पर ताली मारते हुए कहा, तू बड़ी खतरनाक है यार, मतलब दिमाग होना तो तेरे जैसा। इस पर काव्या ने कहा, हाँ बस तेरे जैसा ना हो, तू भी तो उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया था। तुझे वहां से निकालने के लिए कितने गेम्स खेलने पड़े मुझे, सारे लोगों को सुधारने का ठेका जैसे मैंने ही ले रखा है। तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने तुझे सीधा करने की कोशिश की, उसके लिए तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए। हाँ, ये सुनकर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ एहसान तो मानता हूँ, लेकिन उन सब काले कारनामों के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कबूल करने के लिए। ये सुनकर काव्या की हंसी हवा हो गई। वो कुछ कह पाती कि तभी समीर के बाथरूम का दरवाजा खुला और काव्या की रगों में बहता खून जम गया। उसने देखा कि बाथरूम से बाहर आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि तारा ही थी। काव्या ने खींचते हुए कहा, ये सब क्या है, ये लड़की यहां क्या कर रही है? इस पर समीर ने कहा, मैं तारा को नहीं छोड़ सकता काव्या, और उसे तेरी असलियत दिखानी जरूरी थी। इस पर तारा ने कहा, हाँ और अब ये असलियत सारे लोग भी देखेंगे, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी नफरत सबके सामने आएगी। ये सुनकर तो जैसे काव्या के सर पर पागलपन सवार हो गया। उसने खींचते हुए कहा, तूने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा समीर,
तू जानता नहीं है मेरा भरोसा तोड़ने वाले के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, तू जानता नहीं है। अचानक से काव्या का गुस्सा शांत हुआ और वो रोते हुए बोली, समीर मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, तू इस लड़की के साथ नहीं हो सकता, तू सिर्फ मेरे ही साथ रहेगा, प्लीज मुझे छोड़ मत प्लीज। काव्या को इस तरह से देखकर समीर और तारा को इतना तो समझ आ गया था कि काव्या को कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, ड्रग्स की वजह से उसके सोचने और समझने की ताकत गड़बड़ा गई थी। काव्या गिड़गड़ा ही रही थी कि तभी उसे कुछ सूझा। आस पड़ी शराब की बोतल उसने उठाई और उसे टेबल पर आधा तोड़ दिया। समीर कुछ समझ पाता उसके पहले ही काव्या ने जाकर तारा को पकड़ा और उसके गले पर वो बोतल लगा दी। समीर की तो जान ही निकल गई, उसने घबराते हुए कहा, काव्या तारा को छोड़ दे, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इस पर काव्या ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, लेना देना नहीं है, अरे पहले उस अनामिका ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना और अब ये लड़की मुझसे तुझे छीनना चाहती है, मैं इसे ही मिटा दूंगी, फिर तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा समीर। इतना बोलकर उसने वो बोतल तारा की गर्दन से सटा दी। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है बस तू उसे छोड़ दे, मैं वादा करता हूं कि तारा की तरफ देखूंगा भी नहीं, बस तू उसे छोड़ दे, मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रहूंगा। ये सुनकर काव्या जैसे मन मोहित ही हो गई, किसी पर काबू पा लेने का एहसास अलग ही होता है। ऐसा ही कुछ काव्या को भी महसूस हो रहा था, वो कुछ सोच ही रही थी कि तारा ने काव्या का हाथ झटका और दूर जाकर खड़ी हो गई। वहीं काव्या बोतल लेकर तारा के पीछे लपकी और समीर ने उसे थर दबोचा। उस बोतल को काव्या के हाथ से ले लेने के लिए समीर पूरी कोशिश कर रहा था, मगर काव्या का पागलपन समीर पर भी हावी हो रहा था। इस छीना झपटी में वो दोनों समीर के कमरे की बालकनी तक आ गए। समीर वो बोतल लेने में कामयाब हुआ ही था कि तभी काव्या ने आंखें बंद करके समीर को धक्का दिया और वो बालकनी की रेलिंग पकड़कर लटक गया। तारा उसकी तरफ भागी, मगर उसके पहले काव्या ने समीर का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने रोते हुए कहा, तू मरेगा नहीं समीर, तू मेरे साथ जीगा, मैं बचाऊंगी तुझे अपने लिए। इस पर समीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, जानती है काव्या, गलत की सजा सबको मिलती है, मैंने अनामिका का दिल दुखाया था इसलिए मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर तूने तो उसकी जान ही ले ली, इसलिए तेरी सजा मुझसे भी बड़ी होनी चाहिए। मेरी सजा है मौत, लेकिन तेरी सजा है मौत से बदतर जिंदगी। इतना बोलकर समीर ने काव्या का हाथ छोड़ दिया। तारा की एक जोरदार चीख निकल गई। समीर 5 फ्लोर नीचे जमीन पर पड़ा था, जान और खून दोनों उसके शरीर से बाहर निकलने लगे थे। काव्या बस खामोश हो गई थी, उसका पागलपन एक और जान ले चुका था, वो भी उसकी जिससे वो प्यार करती थी। काव्या जाकर एक कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ पहुंची। पुलिस को देखकर अचानक काव्या उठी और रोते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का समीर, उसने पहले अनामिका को मारा और अब मुझे मारने की कोशिश की, मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ले ली, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सुनकर पीछे से तारा ने रोते हुए कहा, नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, समीर बेगुनाह है, इस लड़की ने ही ये सारा खेल खेला है। इतना बोलकर तारा ने समीर की अलमारी खोली और उसी कैमरा को बाहर निकालते हुए कहा, इसमें वो सारे सबूत है जो आपको चाहिए, समीर बेकसूर था, ही वाज इनोसेंट। ये बोलकर तारा बुरी तरह रोने लगी। वहीं काव्या का नाटक अब खत्म हो चुका था।
रात हो चुकी थी। तारा समीर की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू तक सूख चुके थे। समीर ने कुछ गलतियां तो की थी, मगर वो बुरा इंसान नहीं था। काव्या का सच सामने लाने के लिए उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। वहीं काव्या इस वक्त जेल में बैठी थी। एक लड़की को अपनी जान लेने के लिए उकसाने और समीर की जान लेने का आरोप था उस पर। जो बातें कैमरा में कैद थी उनसे साफ समझ आ रहा था कि ड्रग्स का जो कल्चर काव्या के कॉलेज में चल रहा था उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो भी थी। नफरत और नशे ने काव्या को इतना बेरहम बना दिया था कि लोगों की जिंदगियों से खेलना उसे मजाक लगने लगा था। मगर आग लगाने वाले के हाथ भी कई बार उसी आग में जल जाते हैं, और आखिरकार काव्या के साथ भी वही हुआ। ये थी कहानी बेरहम, द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 पर, विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट।